सो हेलो लेडीज एंड लडाज, क्या हाल चाल, कैसे हो सारे के सारे। हम लोग आज फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। तो गाइज, आज इस गेम प्ले में हम लोगों ने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं और अब आज हम लोग कुछ लग्जरी सुपर कार्स खरीद के हम लोग उनसे रेस करने वाले हैं और एक खुद का घर खरीदने वाले हैं। तो अभी चलते हैं बिना किसी देरी के गेम के अंदर, क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो अभी लास्ट टाइम हम लोग कंटेनर पे आके सोए हुए थे और अपने पास है $1 मिलियन, ठीक है। तो अभी इनको लेके चलते हैं पहले। अच्छा, अभी तक अपने पास कोई ढंग की गाड़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि गरीब हैं अभी हम लोग, और अभी आज तो कुछ भी कार मार्केट नहीं खुला हुआ है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं नेबरहुड, क्योंकि हो सकता है नेबरहुड में कोई गाड़ी अपने को ट्रैवलिंग करने के लिए मिल जाए। पहले हम लोग आए हैं नेबरहुड, और जो ये घर है सामने वाला, ये ही घर है अपना जो हम खरीद सकते हैं। तो ये सेल के लिए अभी रेडी है, तो हम लोग लगे यार इसको पहले खरीद लेते हैं क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये कितने का मिलेगा अराउंड? ओके, $60,000 का ही घर है मात्र, ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो दोस्तों पैसा। तो हमने इसको खरीद लिया फटाक से, और अब इसके अंदर चल के देखते हैं क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। ओके, ये एक नॉर्मल सा हॉल है, इसके अंदर एक सोफ़ा है लेकिन टीवी गायब है, ठीक है। इधर कंप्यूटर की टेबल है बट कंप्यूटर गायब है, बहुत बढ़िया। जो मेन चीज़ें हैं वो ही गायब है, और एक इधर बेड है, ठीक है, कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है। ऐसा ये किस लिए बना? ये बच्चे के लिए, बच्चे ही नहीं, लेकिन इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं वैसे, बाय द वे हम लोग। ओके, टैबलेट अगर निकल, ओके, टैबलेट अभी हम लोगों ने लिया ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी टैबलेट ले लेंगे, उसके बाद हम ये घर खरीद सकते हैं, आई मीन घर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ गाड़ियाँ देखते हैं, कोई अगर अपने को ढंग की कार दिख जाती है तो पहले वो खरीदें, क्योंकि अपने पास चलने फिरने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। और ये गाड़ी छोड़ो, हटाओ, ये वाली गाड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं, 26,000 की मिल रही है। हम इसको लेना चाहेंगे $22,000 की, क्योंकि ये देने से मना नहीं कर सकता इस प्राइस रेंज पे, ठीक है। तो फाइनली ये गाड़ी अपनी हो चुकी है, और इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि बहुत गंदी है अभी, और डैमेज नहीं होने के बावजूद डैमेज वाली फीलिंग आ रही, क्यों? क्योंकि सिर्फ गंदी है, ठीक है। तो फाइनली ये वाली पूरी गाड़ी हम लोगों ने रिपेयर कर ली है, और अब चलते हैं गाड़ी में बैठ के इंजन को स्टार्ट। एक होंडा सिविक है जो अपने किसी काम की नहीं है। ओके, और कौन कौन सी गाड़ियाँ मिलेंगी? इधर लेफ्ट को चल के देख लेते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ सेल पे आज लगी हुई है। यार एक तो आज कार मार्केट भी बंद है, हम सोच रहे हैं ना आज सो ही लेते हैं। ओके, एक और सुपरा मिल गई, ये बहुत बढ़िया हुआ। अभी एक बार ही देखते हैं, सुपरा डैमेज दिख रही है हमको, ठीक है। तो सुपरा को हम लोग डाल देते हैं सीधा यहाँ से रिपेयर शॉप पे। तो ये वाली गाड़ी हम लोग ले सकते हैं 37,000 का, ट्राई करते हैं, 38 की तो मिल ही जानी है। ओके, 37 की डन हो गई। भाई जी कसम से बता रहे हैं, अगर सारा GTA होता ना, जिंदा नहीं जाता यहाँ से, समझ रहे हो? डैमेज करी क्या? चलो तो शुक्र इस बात का कि गाड़ी डैमेज नहीं हुई है, अगर किसी और ने ठोकी है तो। इधर कोई ढंग की गाड़ी नहीं है, और आगे से राइट में भी देख लेते हैं एक बारी, सारा ही कबाड़ भरा पड़ा है आज तो। केवल TT एक और दिख रही, ठीक ठाक लेने लायक, वो ले लेते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं अपने डीलरशिप की तरफ, वहाँ पे सुपरा को रिपेयर मारेंगे, और उसके बाद में अपना जो घर लिया है हम लोगों ने उसको अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो 24,000 की डैमेज बिल्कुल भी नहीं, इसलिए इसको हम लोग टो पे भेज देते हैं, और अभी वापस से हम इस गाड़ी में बैठ के निकलते हैं अपने डीलरशिप की तरफ। एक काम करते हैं, पहले सुपरा को रिपेयर करवा के सुपरा से रेस करके ट्राई करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग सुपरा को डाल देते हैं रिपेयर पे, उसके बाद अपनी इस डॉज चार्जर में हम लोग लगवा लेते हैं नॉर्मल सा, मतलब थोड़ा सा ट्यूनिंग करवाएंगे अपनी गाड़ी की। तब तक सुपरा को लगाते हैं सेल पे, बैठेंगे इस अपनी डॉज चार्जर पे लेके चलते हैं। अरे यार, डॉज चार्जर को ट्यूनिंग करवाना किस्मत में ही नहीं है। एक काम करते हैं, इन दोनों को, TT को और इसको लगा देते हैं सेल पे, और उधर सुपरा हो रही है रेडी।
तो फिलहाल अभी इन दोनों गाड़ियों को सेल पे डालते हैं। ये वाली खरीदी है 22,000 की, बट 50 की डालने वाले हैं हम लोग, और इसको भी 60 की डालने वाले हैं क्योंकि 30 के अराउंड में बिक रही थी 28 की, ठीक है। तो अब इसके बाद में सामने चलते हैं सुपरा की तरफ, और सुपरा को लेके डाल देंगे, नहीं ट्यूनिंग करवाएंगे पहले, ट्यूनिंग के बाद लेके चलते हैं रेस पे, ठीक है। तो गाड़ी पे बैठे और गाड़ी को पीछे करते हुए निकलते हैं पहले ट्यूनिंग के लिए। इसका इंजन ऑफ करना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिंग किट को लगा दिया, इसके अलावा सब कुछ लगा हुआ, सस्पेंशन को 0-0 कर देते हैं, ये अपडेट किया, लाइट्स को हल्का सा ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्लेट, इस पे नाम चेंज कर सकते हैं हम लोग, और कौन सी लगानी, कैलिफोर्निया थोड़ी नीट एंड क्लीन दिख रही है। व्हील की बात की जाए तो अभी अपनी उस वाली गाड़ी पे ये व्हील लगे हुए, तो यही लगाते हैं इस पे भी। अब जब इन गाड़ी का लुक आएगा तो क्या ही लुक आएगा, समझ रहे हो। अभी चलते हैं पहले ड्रैग रेस की लोकेशन पे, वहाँ पे कोई अगर रेस होने को होगी तो रेस करते हैं पहले। और गाइज आज लोगों को मालूम चला कि सुपरा से कोई रेस करने आ रहा है, इसलिए लोग ही गायब हो गए, ठीक है। तो अभी अपने ऑफिस में दो बंदे आए हुए हैं, आई मीन दो गाड़ियों के लिए कुछ कस्टमर्स आए हुए हैं, इनका देख लेते हैं कि कौन सी गाड़ी इनको चाहिए, और अगर चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम निकल जाएंगे सोने के लिए, और फिर अगले दिन ही कुछ करेंगे क्योंकि आज कुछ भी नहीं है। आने वाली टीटी के लिए देखते हैं इन कस्टमर को कितना, इनका कितना बजट है और कितना क्या सीन है। 41,000 की ये वाली गाड़ी लेना चाहते हैं, और ये वाली मोहतरमा कितने की लेना चाहती हैं। ओके ये वाली 39 की निकल लो पहली फुर्सत में, 41,000 को बना देंगे सीधा 47,000, 6,000 बढ़ाना स्वाभाविक है, तो 48 पे ट्राई कर लेते हैं। ओके 48 पे ही निकल गया, वेरी नाइस। हाँ जी भाई साहब बताएं क्या बजट है आपका, निकल जाएं पहली फुर्सत में। 50,000 की भेजना चाहते हैं, वो 30 के लेने को तैयार है, मुंह खोल लिया पट्टे से 30,000 के लिए, कोई बात होती है, तुम भी निकलो। 30 की समथिंग ले रहा है, 30.5 की, 30, 35, 36, 37,000 की ट्राई करते हैं गाड़ी को। बिक सकती थी लेकिन नहीं, तो 36,000 की तो निकल ही जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं है इसको। तो 35,000 ले लो सीधा, 500 भी छोड़ दिया, और बताओ। अगर 36 की गाड़ी निकल जाती तो अपने पास वापस से हो जाता $1,000,000, बट क्या ही बोलें, वो उसको $1,000 देने में उसके प्राण निकल रहे थे। तो ठीक है, अब हम लोग पहले अपग्रेड करते हैं अपने घर को, सॉरी सॉरी डेकोरेशन पे जाके होगा, हाउस, बेडरूम में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। बेडशीट है जो, यानी कि बेड पूरा ही चेंज हो रहा है। ओह भाई एकदम से अंधेरा, वक्त, जज्बात सब बदल गया। अलमीरा का कौन सा, ये लगी हुई है, ये वाली बेटर लग रही है, बाय कर लिया इसको। जो वॉल्स हैं इनका कलर नाइस, जो बाहर का लुक है ये क्या है, ओके ऊपर का थोड़ा सा ब्लैक सा ही कर देते हैं, नहीं ये बढ़िया लग रहा है। जो साइड वॉल्स हैं इनका कलर ठीक है, यही बेटर है। और अंदर की जो डिज़ाइन की बात की जाए तो अंदर की जो दीवार है इसका भी कलर यार ये बढ़िया लग रहा है, और ये भी बढ़िया लग रहा है, बाकी तो सब बस वही याद है, ठीक है। इसका भी चेंज हो गया, अब ये बारी है तो इसका क्या करना चाहिए। ओके ये वाला बेटर है, और सोफ़े की अगर देखी जाए तो कुछ समझ नहीं आ रहा है अंधेरे पे, बट आई थिंक सिंगल पीस ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है। और ये वाला क्या है, सोफे के आगे की टेबल, डन ठीक है। और ये वाले पे ये थोड़ी सी बड़ी है बस, ठीक है बाकी तो सिमिलर ही है। बाकी अब चल के देखते हैं कि कैसा लुक आ रहा है, बाकी पहले सो लेते हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये अपनी पार्किंग का एरिया है, तो यहाँ पे लगाया अपनी सुपरा को और इंजन ऑफ, इसके बाद चलते हैं सीधा
तो ऑलराइट गाइस, आज के दिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं कमाया है, जो भी कमाया था वो गंवाया ही है। और ओवरऑल हम लोगों ने थोड़ा ही पैसा कमाया, बट जो घर में इन्वेस्ट कर दिया, इस वजह से जीरो का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, तो बाकी अब चलते हैं इधर से हम लोग। ओके, एक ट्राई कर लेते हैं इस वाली गाड़ी से रेस करने का। बट हाँ, एक दिक्कत की बात है कि इस अपडेट के बाद से इन लोगों ने जो रेस का अमाउंट है, बेटिंग अमाउंट, वो बहुत कम कर दिया है गेम वालों ने। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि डेढ़ डेढ़ दो दो लाख की रेसेस हुआ करती थी और सारी की सारी हम लोग इजी वे में जीत जाते थे। बट अब क्या ही कर सकता है। तो ऑलराइट, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं रेस के लिए। इंजन को ऑन करते हैं और गियर अप करने के बाद थोड़ा सा हौले हौले आगे लेके जाते हैं इस गाड़ी को। भाई साहब, बहुत गंदा हरा दिया यार इस गाड़ी ने तो इसको, मतलब क्या ही बताएं, एकदम कुछ अलग ही लेवल का हराया है, समझ रहे हो। ये उम्मीद भी नहीं की थी। एक काम करते हैं, अभी ना शेवरले के लिए सुपरा को लेके आए या इसी से रेस करा लें। ओ, क्या बात कर रहे हो, इससे रेस करोगे? आ जाओ भाई जी, भाई जी आ जाओ। शर्म नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी, हैं 250 के लिए ट्रक को लिए चले आ रहे हैं रेस में, बताओ। चलो, हमने भी अपना इंजन किया ऑन, गियर अप को करते हैं और थोड़ा सा आगे ले लेते हैं गाड़ी को। थ्री टू वन चलो साथ साथ चलते हैं, क्या बोलते हो? नाइस। यार कितना हम इंजन को छोड़ रहे हैं एक्सलरेटर को, तब जाके ये मेंटेन हो पा रही है भाई जी। मतलब एक देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये 10 सेकेंड में कंप्लीट की थी, इस बार हम लोगों ने 17 सेकेंड लगा दिया टाइम, समझ रहे हो। मतलब ये किस उम्मीद से आया था इस ट्रक को लेके रेस करने, क्यों, वाई? अच्छा वैसे पता है, ईमानदारी से पता है, अगर तो मेरी इच्छा हो रही थी कि उसको जीत जाने दें। रीज़न ये था कि ऑलरेडी वो मात्र 250 की रेस करने आया है, ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसको नीड होगी अमाउंट, मतलब पैसों की, कि एक ट्रक से रेस करने के लिए चला आया बेचारा। तो बट क्या करते, अगर हम रेस उससे हारते तो यहाँ अपनी बेइज्जती होती, क्योंकि आप लोग तो बैठे ही रोस्ट करने के लिए। तो उससे बेटर है यार, अब समझ रहे हो ना, मतलब क्या बोलें, अभी मजबूरी थी, मजबूर थे हम बहुत ज़्यादा, नहीं तो हम डेफिनेटली उसको जिता देते। चलो, इस गाड़ी ने अपने को दो रेसेस जिताई हैं, अब इसको बहुत ही शिद्दत पूर्वक लगाते हैं इसको सेल पे। और ये वाली गाड़ी को हमें डालना चाहिए सेल पे, 4 लाख का डाल देते हैं, 3 लाख तक की तो निकल जानी चाहिए, 2.5 लाख के अराउंड की, ठीक है। तो 2.5 लाख ज़्यादा कुछ बुरा अमाउंट नहीं है, अगर गाड़ी निकल जाती है तो ठीक ठाक बढ़िया अमाउंट है। चलो इट्स ओके, अभी हम लोग यहाँ से वापस से व्हीकल स्टार्ट करके जाते हैं अपने नेबरहुड, वहीं पे जाके सोएंगे आज। ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं वापस से एक और बार सोने के लिए। सबसे पहले सुबह होगी, फिर उठेंगे, निकलेंगे, और आज का जो प्रॉफिट है अपना वो है 2,46,000 डॉलर्स का प्रॉफिट। इतना अमाउंट का प्रॉफिट, क्योंकि पहले गाड़ियाँ खरीदी भी हैं फिर बेची भी हैं, ठीक है। तो गाइस, बस आज का ये गेम प्ले यहीं तक, अब आपसे मिलेंगे अगले गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मौज काटो।